ए मोहम्मद, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए हमारे नाना जान, आप पे अल्लाह का सलाम हो, आप पे आसमान के फरिश्तों का सलाम हो। ये आपका हुसैन आज बड़ी सज धज से निकला है। ए हमारे नाना, ए हमारे रसूल, आज तेरे नवासे ने अपने खून के ताने बाने का सुर्ख जोड़ा पहना है, अपनी बोटियों का सेहरा सजाया है, अपने खून से तेरी उम्मत को पानी दिया है। आज उसकी बारात है, आज ये 72 सर उसकी बारात हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी औलाद ज़बह हो गई, आपकी बेटियां कैदी हो गईं, और इनको कफन भी नहीं मिला तो हवा ने गैरतमंद होकर मिट्टी उड़ाई और उन्हें खाक का कफन पहना थी। उनकी कब्रों पर, उनकी हड्डियों पर, उनकी रूहों पर, उनकी मिट्टी पर, उनके खाक पर समझ में नहीं आता। नबी के घर के कुत्ते की भी हम तो इज्जत करेंगे अगर आज हमें पता चले ये नबी के घर का कुत्ता है। उन कमबख्तों के सामने नबी के नवासे खड़े थे, नबी की नवासियाँ थी और नबी की औलाद थी, और उनके दिल ऐसे पत्थर, आंखें ऐसी अंधी, कान ऐसे बहरे कि उन्हें ऐसे तलवार चलाई जैसे सामने कोई रूमी लश्कर खड़ा हो। बनू असद का बूढ़ा आया, अगले जब पानी खुश्क हो गया वो आया और उसने मिट्टी उठा उठा के सूंघना शुरू किया। सुभान अल्लाह, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है। एक जगह की मिट्टी उठा के सूंघा तो उसमें जन्नत की खुशबू थी, तो तड़प के बोला, ये मेरे नबी के नवासे की कब्र है, ये मेरे नबी के नवासे की मिट्टी है। कि उस वो जन्नत के सरदार थे तो कब्र भी जन्नत की खुशबू फैला रही है।